चलिए, अब हमारे पास क्या है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, ये क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का में कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहे हैं, उसी के आधार पे क्या किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, किन को याद है कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉलिकुलर वेट। तो हम इसी को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, और नीचे में क्या लिख देते हैं, एन फैक्टर लिख देते हैं। और यही है इक्विवेलेंट का मेन, कि इसी को आपको क्या करना है, एन फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम किसी का निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस 14H+, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सी आर प्लस थ्री प्लस 7H2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि इस क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 14, यानी कि +6 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कितना है, 3। तो इसका मतलब है यहां से यहां जाने में चेंज इन ऑक्सीडेशन क्या हो गया, 3 का। अच्छा, हमने आपको बताया था जो एन फैक्टर की वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होगा उसी से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। यहां पे देखिए कितने का चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे कि 3 का चेंज हो रहा है, +6 से +3, तो यानी कि 3। कितने एटम है, 2, इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, और इसका एटम कितना है, 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 6। हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मास, हम मान लेते हैं कि इसका मास एम है और इसकी जो है एन फैक्टर 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बाय 6 हो जाएगी। ये बात हमने कल की भी क्लास में बताई थी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए C2O4 -2 है, इसका हमें क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले एन फैक्टर निकालते हैं, तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन 8 -6 यानी कि +3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, तो यहां से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, वन ऑक्सीडेशन इंटू नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम एटम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, और ऑक्स नंबर ऑफ एटम कितना है, जिस एटम निकालना है कितना एटम है, टू 2। तो यहां से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से टू से, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/2। एम बाई 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0, और इसका कितना हो जाएगा, 6 माइनस, यानी कि जो है +5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 एंड जो है +5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 5।5 तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 इनटू 5 इनटू 1 1। आपको जिसका निकालना, रिएक्टेंट का निकालना होता तो आप रिएक्टेंट का एटम देखेंगे, आपको बैलेंस नहीं करना है, ध्यान रखना, आपको जो है ऐसा नहीं करना कि जो है क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, I2,
अगर तुमसे प्रोडक्ट का पूछता तो हम टू से मल्टीप्लाई करते, क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर, यस सर। अगर तुमसे जो प्रोडक्ट का पूछता ना तब हम क्या करते, टू से मल्टीप्लाई करते। खैर हम जो है किसके लिए निकाल रहे, रिएक्टेंट के लिए, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम बाई फाइव हो जाएगा। ठीक है चलिए, आप इन दोनों क्वेश्चन को बनाइए, मैं जस्ट एक मिनट में जो है आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द कर रहा है, तो मैं एक बस आपको एक मिनट के अंदर जो है वापस आता हूँ, जस्ट वन मिनट। इन दोनों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके बना लिए। तो इसका क्या हो जाएगा कि यहां से नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा +3, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3। ठीक है, यहां से नाइट्रोजन 6 और यहाँ पे प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा। अब देखिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर निकालते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे चेंज इन यानी कि +5 से -3 जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? नहीं, +5 से -3 जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, अब यहां से जो है कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमारे पास कितना है नंबर ऑफ एटम, 1, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/8 हो जाएगा। किसी ने ये बनाया था क्वेश्चन? यस सर। क्या आया था आंसर सर? 8 तक कर दिया था। ओके चलिए, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा Zn, यानी कि 4 -2 तो +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन यानी कि n फैक्टर यानी कि 2 हो गया, इनटू नंबर ऑफ एटम कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा m/2 Zn m/2 हो जाएगा। ठीक है ओके, अब हम बात करते KMnO4 का इन बेसिक मीडियम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा KMnO4 के लिए, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो मैं थोड़ा फास्ट में बताता हूं ताकि कि जो है हम लोग जो है फटाफट से कर सके। तो यहाँ पे +7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 6 यानी कि +6। ठीक है बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे जो चेंज है वो कितना का हो जाएगा, 1 का। तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो 1 हो गया। सिमिलरली यहां पे कितना हो जाएगा +7 एंड ये कितना हो जाएगा आपका +4 का, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसका n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बोलिए, क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम बात करते KMnO4 का। तो यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +2 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5
तो इसका जो n फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम कितना है 1, हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से याद रखना कि MnO4 का या Mn4 माइनस 2 या जो है KMnO4 दिया रहे, अगर एसिडिक मीडियम में दिया रहे थे, सबसे पहले बेसिक मीडियम में दिया रहे, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी लेनी है 1। अगर न्यूट्रल मीडियम या अल्कलाइन दिया रहे तो कितना लेना है 3। और अगर आपको कौन सा मीडियम दिया रहे, एसिडिक दिया रहे, तो आपको क्या लेना है 5 लेना है। आपको याद रखना है कि बना यानी कि 135 जो है होगा या 135 हो जाएगा। ठीक है, ओके। When two or more than two atoms undergo in either oxidation or reduction, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि when two or more than two atom undergoes in either oxidation or reduction, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किस टाइप से हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे। हम पहले सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए C2O4 को ऑक्सीलेट कहते हैं और इस पे चार्ज जो होता है -2, तो इसका मतलब है इस पे चार्ज कितना गया +2। अब देखिए कार्बन पे निकालते हैं, तो कार्बन का निकालना तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, x की वैल्यू को हम लोग जो है क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की कार्बन की जो वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब यहां पे देखिए तो C2O4 है तो इस पे कितना आ जाएगा +4। अगर जब एक ही एलिमेंट का, देखिए ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और दो बार ऑक्सीडेशन हो यानी कि जो है, तब इस केस में एन फैक्टर की जो वैल्यू होती है, एन एफ नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी NF1 + NF2 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर। यहां पे तो आयरन का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, नंबर ऑफ एटम कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए NF2 का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, नंबर ऑफ एटम कितना है 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो यानी कि n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2C2O4 पूछता है तो m/m क्या कर देते 3 कर देते। हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है, मास कहां से निकालते, थोड़ी देर में हम समझाएंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि कहां कहां पे जो है कैसे कैसे n फैक्टर की जो है वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या हो जाएगा कि Fe(S2−1) है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये +2, ये -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो यानी कि जो है +3, एंड ये कितना हो जाएगा +4। ठीक है, एक ही एटम का दो बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस केस में जो n फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, तो n नेट की वैल्यू या n फैक्टर नेट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी NF1 + NF2 हो जाएगा। अब यहां पे निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, नंबर ऑफ एटम कितना है, इधर का ही देखना, इधर का नहीं देखना, हम रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट का देखेंगे, प्रोडक्ट का निकालेंगे तो हम किसका देखेंगे प्रोडक्ट का, तो 1 × क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉरी 1 ही है, एटम तो नंबर होगा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए यहां से देखते हैं, सल्फर का -1 से +4 जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बोलिए
यहां से हम लोग जा रहे हैं कितना, माइनस वन से प्लस फोर जा रहे हैं, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, फाइव का, बोलिए आप लोग कुछ तो। और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टू, तो टू से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया टेन। तो एन फैक्टर की वैल्यू जो है कितनी आ गई, एन एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेवन आ जाएगी। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और बताइए, मैं यहां पे लिख भी देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर, इसका प्लस टू होगा, सल्फर का माइनस टू हो जाएगा, मैं अलग कलर से लिख देता हूं। माइनस प्लस टू, सॉरी माइनस टू, तो यानी कि प्लस वन, इसका प्लस टू एंड इसका प्लस वन। अब मुझे बताइए कि एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही आसान सा मैंने दिया है। सिक्स। ओके चलिए चेक करते हैं, यहां से प्लस वन से प्लस टू सर एट, हाँ देखते कितना आएगा, वन, यानी कि चेंज इन कितना है वन, नंबर ऑफ एटम कितना है टू, यहां से यहां का चेंज कितना है सिक्स का, नंबर ऑफ एटम कितना है वन, तो एन फैक्टर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एफ नेट जो है टू प्लस सिक्स हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा एट। तो इक्विवेलेंट वेट अगर जब मुझे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एम बाय एट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जब वो क्या कहता है कि व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बट अपीयर इन टू प्रोडक्ट विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, कह रहा है कि जब आपका एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो या रिडक्शन कर रहा हो विथ सेम ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास यहां से हमने निकाला तो कितना हो जाएगा 14, 2, 6, यानी कि जो है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 divided by 2। देखिए ये 6 चाहे आप यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए रिडक्शन हो रहा है, लेकिन जब कहता है कि एक ही एलिमेंट का सेम नंबर से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तो किसी एक का आप लेके जो है एन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बोलिए क्लियर है? तो यहां से तो है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो चेंज कितने का है, बोलिए सिक्स और थ्री में चेंज कितने का है, थ्री का, नंबर ऑफ एटम कितना है टू, यानी कि टू, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स आ गई। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसकी निकाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, एम बाय सिक्स हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको ट्राई कीजिए। चलिए मैं निकाल दू, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, एट माइनस वन यानी कि प्लस सेवन, देखिए हाँ तो कितना हो जाएगा, एन फैक्टर की वैल्यू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइव है, नंबर ऑफ एटम कितना है वन, यानी कि कितना हो जाएगा, अगर जब एक ही, हाँ जी कुछ पूछ रहे दीक्षा? नो सर। ठीक है, तो इस प्रकार से एन एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपीयर इन टू प्रोडक्ट
विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हमने क्या करा कि जब एक ही नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा था या रिडक्शन हो रहा था विद सेम नंबर, अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपके पास क्या हो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस केस में कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए इसका कितना हो जाएगा, प्लस सेवन हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस सेवन हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखिए ये अलग ऑक्सीडेशन यानी कि रिडक्शन कर रहा है, ये भी रिडक्शन कर रहा है, तो दोनों का रिडक्शन वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ओके, तो जिस कारण से हमने क्या करा कि इस टाइप में जो है अगर आपको दिया रहे तो हम जो नेट फैक्टर निकालते हैं वो NF1 यानी कि इसका आप निकालोगे N फैक्टर और इस वाले का निकालोगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड करके टोटल नंबर से करेंगे। देखिए ध्यान से, अब ये प्लस सेवन से प्लस टू जा रहा है तो चेंज कितने का है, फाइव। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब आप थ्री से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इधर से ये दो वाला कितने एटम में जा रहा है, टू में, तो इसीलिए इसको कितने से करेंगे, टू से। फिर से ध्यान से देखिए, अगर आप कहोगे कि सर थ्री से कर देंगे तो ये MN की वैल्यू ही नहीं आएगी, इसीलिए हमें देखना पड़ रहा है कि कितना MN टू प्लस वाला है, तुमने कहा टू वाला। यहां जब एक ही एटम या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड एक डिफरेंट डिफरेंट के साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तब उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि जो है बेसिकली आज पूरा एग्जाम जो है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे जो है इसका निकालेंगे, तो यहां से हमारे पास कितना प्लस सेवन से प्लस टू, तो इसीलिए हमने क्या करा टू से। फिर से ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा कि जब हमारे पास क्या हो जाए कि प्लस सेवन से और ये कहां चले जाए कि जो है प्लस टू, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ फाइव। अब कहोगे सर थ्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पे कितना है टू ऑक्सीडेशन, यानी कि प्रोडक्ट साइड कितना है आपका टू है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे टू को हम लोग जो है लेना पड़ेगा, ना कि थ्री से। थ्री से में तब अगर लीजिएगा तो इस वाले का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, इसीलिए हमने क्या करा टू से। अब यहां देखिए प्लस सेवन से प्लस सिक्स, तो इसका चेंज कितना आ गया, वन का आ गया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एटम कितने हैं, तो आप कहोगे वन, तो इसके लिए जो है कितना हो जाएगा वन, तो एन फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपका टेन प्लस वन और डिवाइडेड बाय जितना एटम है कितना है थ्री, यानी कि थ्री से डिवाइड कर देंगे तो इलेवन बाय क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं प्लस सेवन, और यहाँ पे देखिए अब ये प्लस सेवन से प्लस टू जा रहा है, तो इसका मतलब है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइव, नंबर ऑफ एटम्स का कितना है टू, तो यहां से टू से। अब यहां से फिर से जा रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर थ्री और नंबर ऑफ एटम्स का कितना है वन, ठीक है। तो यहां से एन फैक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी एन एफ वन यानी कि टेन प्लस एन एफ टू यानी कि थ्री, टोटल कितना हो जाएगा थ्री, यानी कि कितना हो जाएगा 13 बाय 3 हो जाएगा। बोलिए इतनी सी बात क्लियर हो गई, यस सर, यस सर। अब आगे बात करते हैं कि जब आपके पास क्या हो MN4 O- हो और MN2+ हो, साथ में क्या हो MN6+ हो, तो यहां पे देखिए ध्यान से इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 और इसका कितना हो जाएगा MN2+ से MN+6, तो ये जो है कितना हो रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइव, नंबर ऑफ एटम्स का कितना है वन, तो वन। यहां से यहां देखिए हमारे पास कितना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वन एंड नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा वन, तो एन एफ की जो वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगा फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टू एटम, तो कितना हो जाएगा आपका सिक्स अपॉन टू, यानी कि जो है थ्री आ जाएगा। इक्विवेलेंट अगर जब मैंने फोर का लिखते तो क्या हो जाता है उसका मास डिवाइडेड बाय क्या कर देते जो है एन फैक्टर से डिवाइड कर देते। अब देखिए ध्यान से
वन एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड अदर इज रिडक्शन. जब एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहा हो, जो कि हम लोग जनरली यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे यही से जो है आपको नीट के क्वेश्चन बनेंगे. अगर जब एक ही मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन वाले का ही ले लेते हैं या पर्टिकुलर किसी रिडक्शन वाले का ही ले लेते हैं. अब यहां पे देखिए, इस पे जीरो, इस पे माइनस वन है, इस पे प्लस वन है, ये प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस सिक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा. ठीक है, बोलिए क्लियर है. यस सर. क्लोरीन जो है प्लस फाइव से कहां शो कर रहा है, माइनस टू, सॉरी प्लस फाइव से माइनस वन से, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, सिक्स. नंबर ऑफ एटम कितना है, वन. तो एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा. अब कोई कहेगा कि सर मुझे तो इससे निकाल के दिखाइए, तो कहेंगे देखिए ऑक्सीजन का जो है क्या हो रहा है, यहां पे प्लस फाइव से माइनस वन, तो यानी कि रिडक्शन हो रहा था, और दूसरे वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, तो इस कारण से अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे निकालेंगे, देखिए माइनस टू से जीरो का कितना डिफरेंस आएगा, टू का, और नंबर ऑफ एटम कितना है, थ्री. इस तरह से भी निकालोगे. इसलिए कहा जाता है जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन यानी कि जो एन फैक्टर है, या तो आप ऑक्सीडेशन का निकाल लीजिए, या फिर हम किसका निकाल लेंगे, रिडक्शन का निकाल लेंगे. ठीक है, क्लियर है. ओके, अब हम बात करते हैं फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट. आपसे इस क्वेश्चन का पूछा है कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जो सबसे आसान है सबसे पहले उसका निकाल लेते हैं, सिक्स यानी कि थ्री. अब देखिए यहां से NH4 पे प्लस वन होता है, तो Cr2O7 पे कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा. ठीक है, बोलिए क्लियर है. अब यहां से निकाल लेते हैं, तो क्रोमियम का 2x माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू. तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6. अब हम यहां पे क्या कर लेते हैं, NH4 प्लस का निकाल लेते हैं, तो NH4 प्लस का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का x मान लीजिए, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 4, और यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3 आ जाएगी. ठीक है, ओके. अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, नाइट्रोजन से इस वाले का कितना है, 3. नंबर ऑफ एटम कितना है, 2, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो 2 हो गया. अब यहां से देखिए इसका जो है एन फैक्टर है 6 से, यानी कि 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2. आप चाहो तो किसी एक का निकाल सकते हैं, तो NF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम. तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का NF फैक्टर निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं कि किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप लोग रेडी हैं? पहला क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा. आपको पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 एंड N2 का डिफरेंस बताना है. सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट वेट NH3 का निकालेंगे और N2 का. अच्छा, मुझे बताइए N2 क्या है, रिएक्टेंट है, और NH3 क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है, यहां पे N2 क्या है, रिएक्टेंट है, NH3 क्या है, प्रोडक्ट है. मुझे इक्विवेलेंट वेट NH3 और N2 का निकालना है. तो यहां पे देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, और इसका कितना हो जाएगा, -3. अगर मैं रिएक्टेंट का निकालू, यानी कि N फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना का होगा, 3 का, इनटू नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएंगे, 2. बोले क्लियर है. yes. कितनी आ गई, 6. अगर मैं NF किसका निकालू, प्रोडक्ट का, तो
आपका होगा चेंज कितने का, -3 से 0 यानी कि 3 का, नंबर ऑफ एटम कितने हैं प्रोडक्ट में, तो कहोगे 1, यानी कि इस बार कितना हो गया 3। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बड़ा आसान है, मुझे N2 का निकालना है तो N2 का मोलर मास कितना होता है बताइए, मोलर मास N2 का कितना होगा, तो कहोगे नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 28, और इसका N फैक्टर कितना है 6 दूसरा। अब हमारे पास यहां पे इक्विवेलेंट वेट किसका दिया हुआ है, यानी कि NH3 का, तो NH3 का मोलर मास कितना होता है बताइए, NH3 का मोलर मास कितना हो जाएगा 17, और इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा N फैक्टर 3, ये कट रहा है तो 14 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, यहां से कितना हो जाएगा, आपको NH3 एंड N2 का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकालेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट का है 17/3 और रिएक्टेंट का कितना है 14/3। अगर ये डिफरेंस निकालिएगा तो एलसीएम 3, 17 - 14, और यहां से कितना आ जाएगा 3/3, और इसका जो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखिए मैं यही बताता था कि प्रोडक्ट का दिया रहेगा तो प्रोडक्ट, डिफरेंस तो अभी भी लेना है लेकिन प्रोडक्ट का एटम ले लेना है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ओके, बोलिए क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपसे पूछ रहा है कि Na2SO3 का रिडक्टेंट इन द रिएक्शन, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। रिडक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी का लेना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम जो है +1 में हो जाएगा, तो 2 और 2x - 6 = 0, तो 4 यहाँ पे जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहां से देखिए हमारे पास क्या है कि N2S4 यानी कि 8 माइनस यानी कि जो है 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या +2 से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और हमसे ऑक्सीडेशन का ही पूछा था। अगर वो पूछ देता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तब हमें सल्फर का निकालना पड़ता, फिलहाल हमसे जो है रिडक्टेंट का पूछा है, यानी कि रिडक्टेंट का मतलब होता है जिसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट हो, और रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। यहाँ पे हमें जो है किसका पूछा है, Na2S2O3 का पूछा है। ओके, अब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट पूछा, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर, तो चेंज कितने का 4 का, नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है 2, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 8। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नीट 2023 का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करें, जिनका बन जाए रिजल्ट करें। ऑप्शन सी। चलिए वेरी गुड, दीक्षा आपने बताया। यस सर। कभी भी मैंने आपको याद हो शुरू में ही बताया था कि कभी भी कोई रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो नहीं करेगा, जब भी करेगा वो दो करेगा, यानी कि रिड्यूस या जो है ऑक्सीडाइज दोनों होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर देता हूं क्योंकि ये जो है बैलेंसिंग का है, तो आप देखिए ध्यान से, मेरे पास है Cr2O7 - 2 प्लस, क्या है
एस ओ थ्री माइनस टू प्लस एच प्लस, और ये रिएक्शन जो है कहां जा रही है, टू सी आर प्लस थ्री प्लस, हमारे पास कहां जा रहा है एस ओ फोर माइनस टू एंड एच टू ओ, यहीं पे जा रहा है, चेक कर लीजिए कुछ एसओ फोर एंड जो है सी बाई टू। तो बेसिकली सी बाई टू जो भी होगा तो हमें तो एच टू तो बाद में ही ले आएंगे, उसके अनुसार से ऑक्सीजन को देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका जो है रिडक्शन हो रहा है। तो 14 है तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि जो है हो जाएगा यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा 6 और माइनस 6 तो इधर कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां जा रहा है ठीक है, सीआर टू से क्या जा रहा है सीआर प्लस थ्री में जा रहा है, तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। हम थ्री, आपके पास दो मेथड है, एक मतलब जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या फिर ऑक्सीडेशन नंबर से। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जल्दी क्या हो जाएगा बन जाएगा, तो इसीलिए हम लोग जो है ऑक्सीडेशन सॉरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से थोड़ा लेंदी बनता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो जाता है जल्दी बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन वाले मेथड से क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे ठीक है। ओके, अब देखिए यहां से ये जा रहा है, अब हमारे पास क्या है कि यहां सल्फर से यहां जा रहा है, तो इसके अंदर चेंज इन ऑक्स सॉरी ये जो है 6 से जो है 3 जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। बोलिए हो रहा है कि नहीं? और प्लस से प्लस 6 जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमारे पास यहां पे इस प्रकार से हो गया, अब देखिए ध्यान से प्लस 6 से जो है यहां पे चले गया, क्रोमियम कितना है 2, तो एक क्रोमियम पे प्लस 6 है तो दो पे कितना हो जाएगा 12, उसी तरीके से यहां पे कितना हो जाएगा 6, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इधर 3 हो जाएगा, अगर हम पूरे एटम के लिए निकाले, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में हम क्या करते थे पूरा का पूरा जितना उसमें एटम होता तो सबका चार्ज निकाल के टोटल में से टोटल चार्ज माइनस करते थे, तो यहां पे कितना आ गया 6। यहां पे देखिए प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 2, एक एक ही एटम है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कट रहा है तो हमने क्या करा इसको कटा दिया, जो वैल्यू आई उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा Cr2O7 माइनस 2, क्योंकि हमें जो है मल्टीप्लाई करना इस वाले को, ये कितना हो जाएगा 3SO3 माइनस 2, हमें पता है H प्लस बाद में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा ठीक है। अब हमारे पास ये जो 3 हो गया और यहां से हमारे पास कितना है 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2, H2O जो है खुद ही बाद में आ जाएगा, हमें पता है ये बेसिकली कह रहा है कि एसिडिक मीडियम, तो H प्लस आएगा भी। तो यहां पे देखिए क्रोमियम 2 क्रोमियम 2 सल्फर 3 सल्फर 3, अब बारी किसकी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 7, 9, 16 है और ये 12 होती है, यहाँ पे कितना हमने कर दिया 4H2O, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8H प्लस। बोलिए क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्रोमियम 2 क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7, 9, 16 और यहाँ पे 12, 4, 16 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन है, अब बारी किसकी है चार्ज की, तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 है प्लस 8 है, हाइड्रोजन के एक एटम पे प्लस बना है क्योंकि SO3 के एक एटम पे माइनस 2 है, तो तीन एटम पे कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3, इसलिए जो मैं इतना कर दे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ पे देखते हैं
टू इंटू थ्री सिक्स एंड थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, ये कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि चार्ज भी दोनों साइड क्या है आपका बैलेंस है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब हमारे पास देखिए क्या कहता है कि सी आर टू ओ, यानी कि सी आर टू ओ सेवन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, मैं भी निकाला वन। ठीक, तो हम देखते किसमें वन है, अब कहोगे या तो बी होगा या तो डी होगा। अब अगली बार हमारे पास बी की वैल्यू पूछा था, यानी कि SO3, तो SO3 कितना है थ्री, तो थ्री किसमें है, यानी कि जो है डी में। ओके, अब कई बच्चे पूछ रहे हो कि सी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो फोर है और आपके ऑप्शन में एट दिया हुआ है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा था कि सी बाई टू, अब मुझे फोर लाना है तो सी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, एट। देखिए अभी भी फोर ही है, तो इसीलिए उन्होंने सी की वैल्यू क्या लिखा, एट लिखा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आया, बोलिए समझ में आया कि नहीं, ज्यादा फास्ट हो रहा है, कुछ तो बोलिए आप लोगों। चलिए अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है, ओके चलिए, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। डीकम्पोजिशन आपको याद है मैंने बताया था आपके एक बार, चार टाइप के रिएक्शन होते हैं, सारे नीट की क्वेश्चन है याद रखना। अच्छा आप लोग पहले बताइए डीकम्पोजिशन रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, कुछ तो बोलिए, चलिए मैं ही बोलता हूं। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो। यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं, पी फोर है तो यानी कि जीरो हो जाएगा, पी एच थ्री तो यानी कि माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एंड यानी कि जो है इसको हम निकाल सकते हैं, एच टू पे हमारे पास प्लस टू हो जाएगा, माइनस फोर इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, अच्छा माइनस वन भी है, एच टू पी ओ टू माइनस दिया हुआ है, यहां से हमें इसका निकालना है, तो टू प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, यहां से कितना हो जाएगा टू, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस वन, तो यहां पे हमारे पास कितना हो गया प्लस वन हो गया। ठीक है, अब देखिए एक ही एलिमेंट का ये रिडक्शन हो रहा है और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो, इसी केस को हम लोग क्या कह देते थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसी केस को हम लोग कह देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। बोलिए क्लियर है ये, यस सर, यस सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग बनाइए कि यहाँ पे मुझे बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका जो है रिडक्शन हो रहा है, या कार्बन की जो वैल्यू है वो कहां से कहां चेंज कर रही है। ये नीट का ही क्वेश्चन है, 2022 का होगा या 2021 का, देखिए कितना आसान सा है, मैं निकाल दूं कि निकाल रहे हैं आप लोग, चलिए मैं यहां पे निकालता हूं, सी एच फोर है हाइड्रोजन पे प्लस फोर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस फोर। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा सी सी एल फोर, क्लोरीन पे माइनस होता है और इस पे कितना हो जाएगा प्लस फोर, तो कितना से कितना जा रहा है, यानी कि माइनस फोर टू प्लस फोर जा रहा है, यही बात आपको बतानी थी कि कार्बन का ही। ओके, अब वो कह रहा है कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, कि कौन कौन सा रिएक्शन का जो है डिसप्रोपोर्शन हो रहा है, आर पूछा है, यानी कि मल्टीपल इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, नहीं 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करते हैं, तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का मतलब होता है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो, यानी कि प्लस वन से ये क्या जा रहा है जीरो, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और
इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो गया, यानी कि ए तो सब में दिया है, तो ये तो वैसे भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। अब हम अगला चेक करते हैं बी। यहां पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 MnO4+2 and 4H+, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 MnO4- and plus MnO2+2H2, तो बाद में भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, पर फिलहाल हम लोग ले सकते। क्या देखिए मैग्नीज कितने में जा रहा है, 8 तो 6, और यहां पे मैग्नीज कितने में जा रहा है, 8+7, यहां पे कितने में जा रहा है, +4 में। इसका मतलब है कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि जहां पे ए बी हो इसमें नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ओके। और हमारे पास क्या है, अब अगला भाग सी चेक करते, KMnO4+7, तो यहां पे Mn कितना में हो जाएगा, 8 यानी कि +7, उसके बाद कितना हो जाएगा, 8 और यानी कि 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी कि जो है इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है।